केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में संशय की स्थिति दिखी। हालांकि अधिकतर इलाकों में दुकानें बंद रही, लेकिन उत्तम नगर के हस्तशाल और विकासनगर इलाके में कुछ दुकानें देर से खुली। इसमें मिठाई कपड़े की दुकान शामिल हैं। दुकानदारों को पूरी जानकारी ही नहीं थी। उनका कहना है कि गृह मंत्रालय ने खोलने के आदेश दिए हैं। अधिकतर लोग असमंजस की स्थिति में थे। कुछ इलाकों में दुकानें खुली लेकिन फौरन बंद कर दी गई। इसमें आज हमने समाचारों में देखा है, गृह मंत्रालय आदेश है कि आज के दिन से स्टार्ट हो जाएगा अपने छोटी मोटी जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हो गई, गारमेंट्स हो गई, ये दुकानें खुलना यहाँ स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो आज आपने खोली दुकान? हाँ, आज हमने दुकान खोली है। तो क्या कस्टमरों का भी आना शुरू हो गया? हाँ, कस्टमरों का आना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं। तो क्या पहले से वही एहतियात बरत रहे हैं, जिस तरह से मास्क होना अनिवार्य है? और नहीं, हम सैनिटाइज करा रहे हैं लोगों को। हाँ, हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, हम ऐसे बिना मास्क किसी को सामान भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी होते ही दिल्ली में कई जगहों पर कपड़े और मिठाई की दुकानें खुली। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, और ऐसे में काफी लोग हैं जिन्होंने दुकानों को टीवी समाचार पर खबर मिलने के बाद खोल दिया। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां राशन, दूध, मेडिकल जैसी दुकानों को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से बंद मिला। कोरोना के चलते देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, और केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई है कि जहां ग्रामीण इलाकों में दुकानों को खोला जा सकेगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, और कुछ इलाकों में जो दुकानें हैं, जैसे बिजली की दुकानें हैं या फिर मिठाइयों की दुकानें हैं या कपड़े का शोरूम है, उनको खोला गया है। हालांकि खबर मिलने के बाद काफ़ी लोगों ने दुकानों को दोबारा से बंद कर दिया है, लेकिन कई जगह पर अभी मार्केट पूरी तरह से बंद है। कैमरामैन मोहम्मद जफी के साथ मोहम्मद अजीज, समाचार टुडे, दिल्ली।